भावना शुक्ला बन के तैयार हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब उसमें दिक्कत क्या है, वो आगे हो जाएंगे उनके पीछे मूर्ति पीछे हो जाएगी। नगर भ्रमण के लिए रहेगा जो पहले की मूर्ति है, और नगर भ्रमण कराया जाएगा जब राजा दुल्हा बनेंगे, तो उनको नगर भ्रमण के लिए तो भी एक मूर्ति होना चाहिए। तो पुराना जो मूर्ति है वो नगर भ्रमण होगा, मणि पर्वत पर झूला सरकार झूलेंगे, इसीलिए वो छोटी मूर्ति को स्थापना हो रहा है, इसको आप लोग जान लीजिए। और विपक्ष लोग कुछ जानते हैं नहीं, उनकी मति हर गई है, उनकी बात ही नहीं, मति हर गई है, उनको कहीं जाना चाहिए और जय सिया राम का पाठ करना चाहिए, नहीं तो उनकी जो खेल होगी भगवान ही जाने। पहली बात चरित्र पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, राम जैसा मर्यादा हो जिस राम जैसा मर बोलिए कैमरामैन फोकस करिए, राम जैसा मर्यादा हो नर में और सीता जैसा स्वभाव, राम जैसा मर्यादा हो नर में और सीता जैसा स्वभाव, स्वर्ग सा चमकेगा मेरा भारत के गांव गांव, स्वर्ग जैसा चमकेगा मेरा भारत के गांव। आप तेलंगाना से आए हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप? जय श्री राम। जय श्री राम। देखो मैं तेलंगाना से आदिलाबाद जिले से हूँ, बहुत हर्ष की बात है, ये 30 साल के पहले होना था प्राण प्रतिष्ठा, कई हमारे कार सेवक है, कई संतों ने बलिदान दी। लोग कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा पर कोई मुहूर्त के लेकर चिकन उकल रहा है, अरे जब राम राज्य थे जब भी लोग नहीं आए, कौन नहीं आए, रावण आया था क्या, नहीं आया, तो ये रावण की औलाद है, उनको क्या आएगा, उनको क्या मालूम है धर्म क्या और समाज क्या। कभी कभी आए जो विपक्षी लोग, कभी राम मंदिर अयोध्या के बारे में, 500 साल से हमारे राम लल्ला तंबू में थे, किसी को दुख हुआ, किसी को तो नहीं हुआ, तो उनको क्या मालूम है हमारे धर्म के बारे में। आज हम अयोध्या गोली चल गई कई सरकार सेवकों ने, अच्छा हुआ ये पहले बन गया, तो भगवान करे कि आज हम बहुत खुशी है, पूरे भारत आज खुशी है। अगर अयोध्या को जानेगा तो विश्व केवल अयोध्या, भारत को पहचानेगा तो केवल अयोध्या से के नाम से, भारत की पहचान अयोध्या है। और ऐसी से बोलते हैं ना, अयोध्या की तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। जय श्री राम। जो राम को लाए मोदी ने, मोदी ने अयोध्या के तंबू और कश्मीर के 370 के जम्बू, समझ गए कि नहीं, सब हटाने का काम किए हैं इन्होंने, बहुत सारा और बाकी है जो हिंदू सनातन का जो ठेस पहुंचाया है, 100 करोड़ हिंदू का जो ठेस पहुंचाया है विपक्षी महागठबंधन ने, उसको इस बार रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम आप देख लीजिएगा, 0 बचा 0 आएगा। आपने सुना कि भक्तजनों की जो मंशा है वो क्या है, कितने, पहली बात तो ये भक्तजन जो है कितने राममय हो गए हैं ये आप देख सकते हैं, और राम जी के भक्त मतलब भजन में कितने डूबे हुए हैं, उनके नारे उनकी गूंज में कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जितने भी सवाल थे, जो अपवाद थे, उनका जवाब भी आज जनता दे चुकी है। देख सकते हैं, तो प्रतिपक्ष संवाद के साथ बने रहिए, अभी तो शुरुआत है कि अभी तो हमने अभी आपको प्रतिपक्ष पे दिखाना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है, इसीलिए आपका प्रतिपक्ष के साथ जुड़े रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बहुत कुछ मैं बात करने वाली हूँ, कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के मन में विचार कर रहे हैं, बहुत सारे अपवाद है जो इंटरनेट पर, और विपक्ष कहूँ या फिर लोग कहूँ, जो नॉर्मल लोग हैं उनके भी कई सवाल हैं जिनको हम जनता से पूछेंगे और जनता की राय इस पर लेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी जो लोग मेरे साथ मौजूद थे वो गुरुकुल के छात्र थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें अभी आपने उनके मुंह से खुद सुनी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद के साथ, बहुत कुछ आपको अयोध्या में ये चैनल दिखाने वाला है।